अच्छा होगी 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 होगी। कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंत टॉप टाइम प्रोग्राम। भोजपुरी की एक मशहूर गायिका देवी की एक गीत है कि जब आई होली दिवाली, तू ले आई हो चुनरी लाली, ना लइयो तो ना लइयो, बलम राजधानी पकड़ के आ जइयो आ जइयो। अब ये गाना मैं क्यों गाया, क्योंकि होली और दीपावली पे उत्तर प्रदेश में सबको उपहार मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सब यही बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो हम होली और दीपावली के अवसर पे एलपीजी गैस सिलेंडर आपके घर पहुंचा देंगे। लेकिन जब राजनाथ सिंह यही दावे कर रहे थे कि अगर दोबारा हमारी सरकार बनी तो हम आपके घरों में होली और दीपावली के अवसर पे एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा देंगे, तब तक बीच में से एक नारे लगने शुरू हो गए, सेना भर्ती पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब आपको लग रहा होगा, अगर आप वीडियो में सुनेंगे तो ऐसा फील होगा कि यह नारे दिल्ली के जंतर मंतर पे लग रहे हैं या फिर संसद भवन के बाहर देश के युवा रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जी हां, ऐसा नहीं है, बल्कि अब ये सब नारे हमें रोजगार दो, सेना भर्ती पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो के नारे अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रैलियों में लग रहे हैं। राजनाथ सिंह गोंडा पहुंचे थे क्योंकि गोंडा में एक रैली को संबोधित करना था और वो संबोधित करने पहुंचे। जब वो मंच पे आते हैं, माइक संभालते हैं और वादों की जब झड़ी लगाना शुरू करते हैं तो बीच में युवा उठ खड़े हो जाते हैं और लगते हैं नारे लगाने, हमारी मांगे पूरी करो, सेना भर्ती पूरी करो। ये तमाम तरह के नारे लगते ही अटपटा सा माहौल हो जाता है। राजनाथ सिंह ऑकवर्ड फील करने लगते हैं क्योंकि वो विकास की बातें करने गए थे, सपने लेकर गए थे, सपने बिखरने लेके गए थे, हवाओं में फिजाओं में उत्तर प्रदेश के सुनहरे ख्वाब लुटाने गए थे। लेकिन बीच में से विरोध के स्वर गूंजने लगे। खैर, पहले आप वीडियो देखिए कि राजनाथ सिंह कितने असहज महसूस कर रहे हैं, युवाओं को मना रहे, बहुत मान मनोबल हुआ उस रैली में। वीडियो पहले देखिए। अरे भाई होगी, सुन जाओ, हो गया, होगी, 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 लड़के, होगी, 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 सेना भर्ती चालू, अच्छा अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 हो गया, बोल दिए तो लड़के, होगी, बोल दिए तो होगी 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 होगी, बोल दिए, बोल दिए, बोल दिए, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। ठीक, होगी होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। तो देखा आपने, युवा वहां पे रोजगार के लिए नारे लगा रहे, उसी उत्तर प्रदेश में जहां पे सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में जहां विकास की एक नई कहानी गढ़ी जा रही है, उसी उत्तर प्रदेश में जहां पे ये कहा जा रहा है कि दोबारा अगर हमारी सरकार बनी तो हम रोजगार देंगे, हमने जो वादा किया उसको करके दिखाएंगे, यानी अब दोबारा चांस मिले तब हम सब काम करेंगे। पहले वाले कार्यकाल में हमने क्या किया उसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं है, इसलिए हम दोबारा आपसे मौका मांग रहे हैं। लेकिन युवा वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये वही सरकार है जो 70 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी। केंद्र में 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनती है उससे पहले वादे किए गए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ा कि अब युवा सड़कों पे आंदोलन करते नजर आते हैं, रोजगार मांगते नजर आते हैं। शायद यही बात उन युवाओं के कानों में या शायद यही बात उन युवाओं के दिमाग में खटक रही होगी कि यह सरकार तो सिर्फ झूठे वादे करती है, पूरा कुछ नहीं करती है। लेकिन राजनाथ सिंह बार बार उनको कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं, हम आपकी बातों को पूरा करेंगे, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और रक्षा मंत्री होने के नाते सेना की पूरी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के कंधों पे है, कितनी वैकेंसियां खाली है
वो उनको बाखूबी मालूम है कि कब कौन से पोस्ट के लिए बहाली निकालनी है, ये उनको मालूम है। इसलिए राजनाथ सिंह के सामने युवा रोजगार दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत क्या हो गई है। मंत्री, विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी के रैलियों में लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। कहीं कहीं कुर्सियां खाली नजर आती है, कहीं लोग बीच सभा से उठकर भाग जाते हैं, कहीं कहीं विरोध के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं तो विधायक जी वोट मांगने अगर गांव में जाते हैं तो लोगों का उनका विरोध झेलने पड़ता है। लोग उनको भगाने लगते हैं, दौड़ाने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि साहब कहां आए हैं, 5 साल कहां थे, 5 सालों में आपने क्या किया है। तो कोई जवाब ही नहीं होता है बीजेपी के विधायक के पास कि वो कह दे कि हमने काम किया है, क्योंकि काम तो उन्होंने एक ही किया है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा है, धर्म के नाम पर युवाओं को बांटा है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया है, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाया है, दूसरा काम तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए बीजेपी के विधायक, सांसद सब असहज महसूस करते हैं और सिर्फ एक ही वादे पे काम करते हैं, एक ही दाव पे पूरी चुनाव लड़ रहे हैं, राम, अयोध्या मंदिर, काशी, मथुरा। अब काशी मथुरा को जनता बाखूबी समझ गई है, युवा समझ गए हैं कि हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें भटकाया जा रहा है असल मुद्दे से। असल मुद्दा तो हमारे लिए रोजगार है, महंगाई है, इसीलिए युवा अब रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह की रैली में युवा सेना भर्ती शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हम बेरोजगार रहेंगे, अगर जब तक हम बेरोजगार रहेंगे तब तक ऐसी राजनीतिक पार्टियां हमारा लाभ उठाएंगी, हमें भीड़ के रूप में इस्तेमाल करेगी, हमें भीड़ के रूप में इस्तेमाल कर चुनावी रैलियां करेगी और चुनाव जीतेगी, सत्ता में आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में या कहीं भी युवाओं को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब युवा समझ गए हैं, इसलिए युवा अब रोजगार मांग रहे हैं कि रोजगार दो, उसके बाद हम वोट देंगे। राजनाथ सिंह ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा कि जिस भीड़ को, जिस रैली को हम संबोधित करने जा रहे हैं वहां पे हमारा विरोध भी होगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के दिमाग में यह बात है कि बीजेपी को लोग समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी के लोग कायल हो गए हैं, क्योंकि राम मंदिर हमने बनवा दिया है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया, राम को ला दिया, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया, काशी में मंदिर बनवा दिया, मथुरा की तैयारी की बात चल रही है, लेकिन युवा उन सब चीजों को नकार दिया है। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश की सियासत में आतंकवाद को भी घुसेड़ दिए है, लेकिन युवा इन सब चीजों को नकार कर गोंडा की राजनाथ सिंह की रैली में सेना भर्ती पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो के नारों से उथल पुथल मचा देते हैं। राजनाथ सिंह के पसीने छूट जाते हैं, राजनाथ सिंह ऑकवर्ड फील करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या, समझाने लगते हैं। बहुत मार मनोबल के बाद वो बच्चे बैठ जाते हैं, उनकी मांग होती है रोजगार। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आज भी मतदान है और मतदान में बीजेपी के तमाम वादे हैं, दावे हैं, तो 10 मार्च को पता चलेगा कि हमारी मांगे पूरी करने वाले पे लोग वोट किए थे या फिर राम मंदिर, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे। वो 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद समझ में आएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है ये भी आपको बताएंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा ये भी बताएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।